छात्रों, क्या आप मुझे बता सकते हो कहानी सुनना किसे अच्छा लगता है? सबको? अरे वाह, बहुत खूब। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में भी पाठ 9वां, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, यह एक एकांकिका है जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। यह एक संवादात्मक नाट्यकरण भी है। मैंने पहले भी इस पाठ के कुछ पात्रों का परिचय आपको दिया है। आप सबको पता है कि कौन सी भी बात हमें कहानी के रूप में जल्दी समझ में आती है। तो चलते हम इस पाठ को कहानी के रूप में पढ़ेंगे। आपको पता है कि हमारे देश में एक उत्तर प्रदेश राज्य है। इस राज्य में छोटे से गांव में राम स्वरूप नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा करते थे। घराना ऊंचा था। वह अपनी अर्धांगिनी के साथ खुशहाल से जीवन बिता रहे थे, जिनका नाम था प्रेमा। छोटा सा परिवार था। उन्हें एक सुंदर, सुशील और नटखट सी प्यारी सी बच्ची भी थी, जिसका था नाम था उमा। उनके घर में काम करने वाला एक नौकर भी था, जो सारे घर के कामकाज करता था, जिसका नाम था रतन। छोटा सा परिवार, खुशहाल परिवार और एक प्रतिष्ठित परिवार, गांव में उनका नाम सम्मान था। इस घर में उमा देखते ही देखते कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। वह दिखने में तो सुंदर थी, परंतु पढ़ लिख कर उसके विचारों ने उसे और भी सुंदर बना दिया था। उमा पूरी 20 साल की हो गई थी। वह बीए पढ़ रही थी। आप सबको पता है कि हमारे समाज में अगर बेटी शादी लायक हो जाए तो पूरे गांव में उसकी चर्चा होती है। इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिरकार तो शादी करनी है, शादी लायक हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए, ऐसे तरह तरह के विचारों के लोग हमारे समाज में होते हैं। कुछ लोग तो हमें पढ़ने के लिए उम्मीद नहीं देते, तो कुछ पढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। ऐसे द्विधा अवस्था में बेटी का जीना मुश्किल हो जाता है। उधर घर में भी माँ बाप के ख्याल भी अलग होते हैं। अपने बेटी की शादी की चिंता उन्हें भी होती है। वो तो एक सहज भाव है, एक स्वाभाविक वृत्ति होती है कि घर में अगर बेटी शादी लायक हो जाए तो उसको अच्छा खासा घराना मिले, लोग अमीर हो, हमारे बेटी को कुछ तकलीफ ना हो, इसीलिए बेटा भी नौकरदार हो और हमारी बेटी सुख में रहे, यही उनके सपने होते। उसी तरह राम स्वरूप और प्रेमा के भी अपने बेटी के प्रति बहुत सारे ख्याल वह ढूंढ रहे थे। उमा पढ़ लिख रही थी। वह सिलाई बुनाई भी जानती थी। एक तरफ वह कला गुण से भी संपन्न थी। उसे बहुत सारे तरह तरह के चीजें बनाने आती थी घर की, और खाना भी अच्छा सा पकाती थी। पेंटिंग भी उसने सीखी थी और उसे कई अच्छे गुण उसमें ऐसे समाये थे कि सारे प्रकृति ने उसके अंदर ही डाल दिए हो। शांत स्वभाव की उमा इन सब बातों से अनजान थी कि उसके घर में उसकी शादी की बातें हो रही है। एक दिन ऐसे ही उसे देखने के लिए कुछ लोग आए। उमा को सिर्फ बताया गया कि तुम्हें आज लड़के देखने आ रहे हैं। उमा की पसंद थी ना पसंद थी, इसका कोई किसे ख्याल नहीं था कि बेटी तुम शादी करना चाहती हो या नहीं। बस माँ बाप ने जो लड़का चुना, जो घर चुना,
बस उसे ने उसमें हाँ मिलानी चाहिए। ऐसी पुरानी परंपरा आज भी हमारे समाज में चलती आ रही है। आज भी लड़कियों को पूछा नहीं जाता कि तुझे शादी करनी है, कौन से लड़के के साथ करनी है, तुझे क्या पसंद है क्या नहीं, उसके भावनाओं को कोई कीमत नहीं होती। वैसे भी उमा को भी उसके साथ कोई पूछा नहीं जा रहा था। रतन और राम स्वरूप मेहमानों की खातिरदारी के लिए तैयारियों में जुट गए थे। उन्हें बैठने के लिए एक बड़ा सा तख्त लाया गया। तख्त मतलब लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी, हमारे घर में होती है बैठने के लिए। तो सब तैयारी में जुट गए थे। उनके खान पान की व्यवस्था, उनके नाश्ते की व्यवस्था, उनकी चाय की व्यवस्था, सब सब तैयारी में जुट गए थे।